गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में वर्षा, मेघ, गर्जन तथा तड़ित के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे का पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जल चक्र, वाटर साइकिल। तो बच्चों, वाटर साइकिल क्या होती है? कई प्रक्रिया जो बार बार दोहराता है, कोई जो प्रक्रिया बार बार दोहराता है उसे हम चक्र कहते हैं। जल चक्र जल का एक चक्रीय प्रवाह है जो पृथ्वी से वायुमंडल और वायुमंडल से पुनः पृथ्वी तक विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो चक्र क्या होता है? जो बार बार दोहराई जाती हैं क्रिया, उन्हें हम चक्र कहते हैं। ऐसे ही जल चक्र भी होता है। जल वायुमंडल में जाता है और फिर पृथ्वी पे आता है, फिर वायुमंडल में जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया हमें क्या कहलाती है? जल चक्र कहलाती है। सूर्य की गर्मी के कारण विभिन्न जल स्रोतों से जल बाष्पित होता है। पौधों भी बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा बृहत मात्रा में जल को बाष्पित करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता जाता है और वायुमंडल में जैसे जैसे ऊपर जाता है, हवा इसे ठंडा कर देती है। जल वाष्प ठंडा होकर वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से चिपक कर छोटे छोटे जल कणों में संघनित होने लगते हैं। यदि ये बहुत ठंडा हो जाता है तो बर्फ का छोटा छोटा रवा बन जाता है। हवा में तैरते हुए इन जल कणों के समूह को हम बादल कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया बादल कैसे बनते हैं? जब वे बहुत भारी हो जाते हैं तो वही जल कण वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये अपक्षेपण कहलाता है। तो अपक्षेपण, बादल जब पृथ्वी पर भारी होकर बरसने लगते हैं तो उसे अपक्षेपण कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बादल कभी कभी बहुत ठंडे प्रदेश में पहुंच जाते हैं, वहां जल कण हिम बन जाते हैं तथा होले ओले या हिम के रूप में गिरते हैं। वर्षा का जल जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदी, झील, तालाब और झरनों में गिरता है। वर्षा का जो जल भूमि पर गिरता है वह नहरों के द्वारा नदियों में बह जाता है। वर्षा के जल का कुछ हिस्सा भूमि में रिस जाता है तथा भूमिगत जल के रूप में इकट्ठा होता है। भूमिगत जल घरेलू सिंचाई, औद्योगिक कार्यों में पंप से खींच लिया जाता है, जैसा कि हम अपने घरों में करते हैं। ये अंतगोत्वा नदी में जाता है तथा अंततः समुद्रों एवं सागरों में चला जाता है। वर्षा का कुछ जल अत्यधिक ठंडक होने के कारण पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम जाता है। ये गर्मियों में पिघलता है तथा नदियों में चला जाता है, जो बहते हुए समुद्र व सागरों तक पहुंच जाता है। इन सभी स्रोतों से जल पुनः बाष्पित हो जाता है और फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है, और इस प्रकार प्रकृति में जल चक्र चलता रहता है। यानी सूरज की गर्मी के कारण पहले समुद्रों का पानी हवा में उड़कर बादल बन गया, फिर बादल बरसे और वो पानी फिर समुद्रों में आ गया, और इस तरह से ये प्रोसीजर बार बार होता जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। तड़ित और मेघ गर्जन, यानी लाइटनिंग और थंडर। जब बारिश होती है तब आपने बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनी है ना, तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। वर्षा, भारी वर्षा के साथ साथ प्रायः मेघ गर्जन होता है और तड़ित भी कड़कती है, यानी बिजली कड़कती है। मेघ गर्जन और तूफान के समय आकाश में बिजली की चमक भी देखते हैं। ये दो बादलों के बीच उच्च विद्युत धारा के प्रभाव के कारण होता है। ये विद्युत वेग इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास की वायु बहुत उच्च ताप तक गर्म हो जाती है। मतलब आसमान में जो आसपास के बादलों के दो बादलों के बीच की जो एरिया होता है, उनकी वायु कैसी हो जाएगी? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसके कारण प्रकाश की चमक फैल जाती है, जैसे हम लाइटनिंग या फिर तड़ित जिसे हम कहते हैं। जब बहुत कम समय में वायु इतनी उच्च ताप तक गर्म हो जाती है तो अचानक इसमें प्रसार होता है, मतलब ये फैलना शुरू हो जाती है। वायु का इस अचानक प्रसार के कारण भारी आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम थंडर या मेघ गर्जन कहते हैं। आप मेघ गर्जन पहले सुनते हैं या तड़ित पहले देखते हैं? बताओ, इन दोनों में आपको पहले क्या सुनाई देता है या दिखाई देता है?
आप मेघ गर्जन के समय देख सकते हैं बिजली की चमक पहले दिखती है। तो हमें पहले क्या दिखती है? पहले चमक दिखाई देती है, यानी प्रकाश दिखता है, तथा बाद में उसकी ध्वनि या कड़कड़ाहट कुछ सेकंड बाद हमें सुनाई पड़ती है। तो आपको आश्चर्य होगा कि बादलों में वे दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, पर उन्हें हमें अलग अलग कैसे दिखाई या सुनाई पड़ता है? क्योंकि प्रकाश अति उच्च वेग लगभग 3 करोड़ मीटर प्रति सेकंड से चलता है, जबकि ध्वनि का वेग मात्र 340 मीटर प्रति सेकंड से चलता है। यही कारण है कि गर्जन की आवाज़ सुनने के पहले या बहुत पहले हमें बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, यानी प्रकाश तेज चलता है या ध्वनि। तो प्रकाश ध्वनि से भी बहुत ज़्यादा तेज चलता है, इसीलिए हमें चमक बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर लगा के लेके आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जल की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जल की विभिन्न अवस्थाएं अंतःपरिवर्तनीय हैं? इसका आंसर आपको फर्स्ट पेज पे ही मिलेगा। यहाँ से आप जानते हैं कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, और उसके बाद में अवस्था परिवर्तन ये कंप्लीट करोगे, और ये जो रिवर्सिबल प्रोसीजर दिखाई दिया गया है इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों, बाकी के क्वेश्चन भी आपको खुद करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।